Hello children, how are you? I hope you all are fine. You are enjoying your lockdown in your home, no children? Just enjoy but don't go out. Now, I have taught you the chapter of English bridge poem. I taught you, no children? You have learned that poem with singing, with your actions, with your dancing, everything. Now, still 2 days before there was heavy rain. You have enjoyed that rain, no? So, I have taught this chapter and that the rains came. So, it was really excited, no? Now, today I am going to give you the exercises. Exercises means today I am going to give you fill in the blanks, circle the correct answers, draw and color and name the 7 colors, then write down the things that have following colors. So, आज आपको मैं ये सब देने वाली हूँ. आपको ये सब आपके notebooks में copy करने with a neat and clean handwriting children. So, we'll start our first Roman number. Fill in the blanks. Fill in the ब्लैंक्स मतलब जो भी आपको ब्लैंक्स मिलेगा पेपर में या नोटबुक में आपको उसकी प्रॉपर आंसर लिखने. इट्स अ वेरी सिंपल. यू हैव लर्न द पोएम नो सो यू कैन गेट द आंसर इजीली. सो बोट सेल ऑन द रिवर्स. यस एग्जैक्टली रिवर्स. यू हैव टू बाय हार्ट दिस स्पेलिंग. वंस वी विल लर्न दिस स्पेलिंग आर आई वी ई आर एस रिवर्स. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रिवर्स रिपीट वंस अगेन. आर आई वी ई आर एस रिवर्स. रिवर्स मतलब नदी. सेकेंड वन शिप सेल ऑन द सी. शिप मतलब मैंने आपको बताया था जहाज किस में कैसे चलता है समुंदर में. सी मतलब समुंदर. सीज व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ सीज. एस ई ए एस सीज. एंड द थर्ड वन एंड ओवर टॉप द ट्री. एंड ओवर टॉप द ट्री पेड़ के ऊपर की साइड में. ओवर टॉप मतलब ऊपर. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रीज. टी आर डबल ई एस ट्रीज. एंड द फोर्थ वन एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई. ऐसे लग रहा था कि जमीन से लेके आसमान पे एक रोड बना हुआ. रेनबो कैसे खड़ी होती है एक रोड जैसी खड़ी होती है ऐसे एक सुंदर सा रोड बना हुआ था. रोड व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ रोड. आर ओ ए डी रोड. सो द सेकेंड वन सर्कल द करेक्ट आंसर. आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी. जैसे आप करोड़पति देखते हो अमिताभ बच्चन के ना उसमें आपको पूछते हैं चार ऑप्शन का क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शन देते हैं आंसर बताओ. यहाँ पे आपको करोड़ रुपया नहीं मिलेगा आपको आंसर का मार्क्स मिलेगा बेटे. सो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन. सो सर्कल द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम. टाइटल मीन्स व्हाट. इस पोयम का नाम क्या था बेटा. आपको मैंने बताया था द पोयम नेम ऑफ द पोयम इज ब्रिज. सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइटल ऑफ द पोयम. टाइटल मतलब नेम ऑफ द पोयम. रेनबो ब्रिज क्लाउड्स स्काई. सो देर आर फोर ऑप्शन आर द रेनबो ब्रिज क्लाउड्स स्काई. सो विच इज द करेक्ट आंसर. ब्रिज बी आर आई डी जी ई ब्रिज. सो यू हैव टू सर्कल लाइक विथ अ रेड कलर क्रेयॉन. इफ यू हैव अ क्रेयॉन यू कैन मार्क सर्कल विथ अ. मूव टू द सेकेंड वन. वेयर डू द बोट सेल. बोट मतलब क्या बताया था मैंने. बोट पता है ना आपको जो कागज में आप लोग बनाते हो बोट. हाँ बोट सेल. सेल कहाँ होता है वो कहाँ चलता है कैसे पे चलता है. सी समुंदर पे चलता है. स्काई आसमान में जा रहा है. ट्री पेड़ पे चढ़ता है. या रिवर नदी में. तो आपको यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस. सो इट्स अ करेक्ट आंसर इज रिवर्स. सो यू हैव टू सर्कल विथ योर क्रेयॉन रिवर्स. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रिवर्स. यू कैन रिपीट. आर आई वी ई आर एस रिवर्स. रिपीट वंस अगेन चिल्ड्रन. आर आई वी ई आर एस रिवर्स. नंबर थर्ड इन द गिवन पोएम. गिवन मतलब पोएम में जो दिया है. व्हाट ओवर टॉप द ट्री. ट्री के ऊपर क्या आ रहा था ऐसे एक रोड जैसे क्या आ रही थी. इट्स अ रेनबो रेन क्लाउड्स और स्काई. या इट्स अ रेनबो. सो यू हैव टू राइट द रेनबो स्पेलिंग. यू नो द स्पेलिंग ओवर दैट. सो यू हैव टू सर्कल दैट. आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू रेनबो. यू हैव टू लर्न दिस वर्ड. आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू. गो थ्रू दिस वर्ड्स अगेन एंड अगेन द सेम. इफ यू लर्न द वर्ड्स नो यू विल राइट अ पोएम ईजिली. यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज इट मीन्स. Now the third one, draw and color the rainbow and name the 7 colors. You have to draw, you have to name the rainbow and you have to name the colors of that rainbow. You all know, I told you in the poem, how many colors are there in rainbow. There are 7 colors I have told you in the first video. I explained that, why it comes, how is it comes, how it looks. Now just we have to learn their names. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So total how many colors are there children. 1 2 3 4 5 6 and 7. Is this color 7 colors? Yeah. You have now I will read the words. V I O L E
T, violet. I L D I G O, indigo. B L U E, blue. G R E E N, green. Y E L L O W, yellow. O R A N G E, orange. R E D, red. So you have to draw like this rainbow. You have to write the name of that rainbow colors, and you have to learn these words. Is that clear, children? Now we'll move on the next one. Roman number 4. Now you move on the Roman number 4. Write down the things that have following colors. Write down the things that have following colors. अभी यहाँ पे मैंने things बनाए हैं, उसको आपको color भी बताए हैं. अभी आपको crayon लेके वहाँ पे आपको draw color करना है. एक box ऐसे बनाना है, rectangle box आपको ऐसे बनाने हैं हर एक इसमें. और आपको violet color के onion या brinjal, देखा violet color आपका crayon तो आपके पास 12 colors के होते हैं. So take out the violet color and color, shade it out this box. Then take a indigo color. Indigo मतलब आपको grapes के color देखे, नीले color, एकदम dark नीला color होता है, indigo color. So take a crayon and color it over. Again blue color. Blue color आपको लेना है, light blue color, like this आसमानी color. Again take that and color that rectangle box. Then green color, take a green color. Then light green or dark green, any color you can take that. So you have to take that and you have to color. Same thing in yellow color, you have to take a crayon and color it out. Orange, color it out. Red, color it out. So if you color this, then you have to write these names I told you, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Then you have to mention what are the colors of things you can see in. You have seen that onion. Onion मतलब कांदा देखा है. Flower भी नीले रंग का flower होता है. Indigo grapes, blueberry, ये भी indigo color के होते हैं. Blue आसमानी color के क्या क्या चीज होते हैं. Water दो. अभी मैंने तो यहाँ पे दो ही mention किया, पर आप भी बहुत सारी चीजें देखती हो ना वो color के. तो you can write any name in that. I have given this some names here. Green color के leaves, parrot, yellow, banana, corn, orange and pumpkin, red, tomato and rose. So you have to color, you have to write the name of that color and what are the things that have following colors. So you have to write these all things in your CW book. Learn it out, your poem with your actions. Read it out the words, then read all the exercises whatever I have given in the on the board, children. This will come for your exam, so prepare well. Is that clear, children? And we will meet in our next video, in the next chapter. Then till then, bye children, take care.